जैसे पिछली बार हुआ था, शराब की खाली बोतलें मिली थी, तो इस प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार की शरारत कर नहीं पाए। ये खास करके ज़रूरी हो जाता है संध्या के पश्चात और सूर्यास्त से पहले। परिसर के बाहर किसी तरह की आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो आप लोगों का रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। विधानसभा का सत्र हो और उसमें हंगामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे पुलिस वाले भी डरते हैं और इसको लेकर पूर्व से ही तैयारियां भी करते हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से ही की जा रही है। पटना पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और सुरक्षा के इंतजाम कोई लूप होल्स ना रह जाए। इसको लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों खुद विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और वहां पर वे जितने भी पुलिस वाले हैं सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि जैसे पिछली दफा शराब की बोतल मिल गई थी वैसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बिना देर किए आपको एक्शन लेना है, बोतलों को जब्त करना है और सचिवालय थाने को सौंप देना है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। के अंदर और परिसर के बाहर पैदल गश्ती भी निरंतर हो ताकि किसी प्रकार की जो प्रतिबंधित वस्तु है, जैसे पिछली बार हुआ था शराब की खाली बोतलें मिली थी, तो इस प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार की शरारत कर नहीं पाए। और इस प्रकार की कोई भी आपको वस्तु मिलती है तो आप लोग उसको जब्त करके सचिवालय थाना को हैंड ओवर करेंगे। ये खास करके ज़रूरी हो जाता है संध्या के पश्चात और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि उस वक्त जो हो सकता है कोई भी जिसको शरारत मन में सूझ रही हो वो इस प्रकार की शरारत करे। इसलिए इन दो समय पे आप लोगों को पैदल गश्ती करना है। पूरे सचिवालय परिसर को और पूरे विधानसभा के परिसर को आप लोगों को सैनिटाइज करना है और इस प्रकार की वस्तु को आप लोगों को हटाना है ताकि वो किसी प्रकार से जो भी जिसके मन में जो भी शरारत है उसको वो उसकी आड़ में वो अपना जो भी उसका एजेंडा है उसको आगे नहीं कर पाए। जो गेट्स पे जिन लोगों की प्रतिनियुक्ति है, खास करके जो गेट नंबर 8 है जहाँ पे वीआईपी लोग, इसमें आप लोगों को बता दिया गया है एडीएम साहब के द्वारा, कुल 9 में दोबारा दोहरा देता हूँ कि गेट नंबर 8 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सभापति विधान पार्षद, दोनों उप मुख्यमंत्री है या दंडाधिकारी हैं, क्योंकि विधानसभा के परिसर के अंदर हम लोगों को तब तक नहीं जाना है जब तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय या माननीय सभापति महोदय के द्वारा स्वयं आप लोगों को बुलाया नहीं जाता है। पिछली बार आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग सभी ने मीडिया में देखा भी था, जब बीसैप का बिल पास हुआ था, एक्ट बना था, तो काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति हुई थी, बाहर से हम लोगों को फोर्स भी बुलाना पड़ा था। इसलिए इस बारी 8 जगह पर क्यूआरटी रखा गया है। जितने भी क्यूआरटी इंचार्ज हैं आप लोग अपना प्रतिनियुक्ति स्थल देख लीजिएगा, और जब तक सत्र चलेगा कोई भी क्यूआरटी हटेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है और एक कॉल पर आप लोगों को आना है। इसी प्रकार की परिसर के बाहर किसी तरह की आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो आप लोगों का रिएक्शन टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए। इसलिए सभी क्यूआरटी पर बाहरी जो 8 की 8 क्यूआरटीज बना है आप लोग अपना प्रतिनियुक्ति स्थल देख लीजिए, आप लोगों को कहाँ से प्रवेश पाना है, कहाँ से आप लोगों की एंट्री होगी और कौन कौन सा आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति है तो आप हम लोगों से संपर्क करके उसको क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं अन्यत्र ज़िलों से भी आते हैं और आप लोगों को हो सकता है कि नहीं जानकारी हो कि आपके प्रतिनियुक्ति स्थल के जो आने वाले रास्ते हैं या फिर निकासी के रास्ते हैं कहाँ पर हैं, एरिया का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। तो आपने पटना एसएसपी को सुना, हाथ में माइक लेकर तमाम पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं, कैसे कैसे कहां पर तैनात रहना है, किन किन मोमेंट्स पर उनको ध्यान देना है और कैसे कैसे सभी चीज़ों को कंट्रोल करना है, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि जैसे पिछले दफ़ा हुआ था कि परिसर के भीतर से शराब की बोतलें बरामद हो गई थी, ऐसा ना हो इसका ख्याल रखना है, और अगर ऐसा होता है तो क्विक एक्शन लेना है बिना
देर किए ही चीजों को जब्त करना है, सचिवालय थाने को सौंपना है और इसको लेकर तुरंत ही एक्शन शुरू कर देना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना परिसर के बाहर या फिर उसके भीतर होती है तो जरा भी देर किए बिना एक्शन शुरू कर देना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो और जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन्हें सुरक्षित रखना है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।